अस्सलाम वालेकुम किड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। आजकल जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रुथ टेबल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड है और है, इंप्लाइज है, इफ एंड ऑनली इफ है, निगेशंस है। निगेशन मीन ट्रू, फॉल्स, फॉल्स ट्रू। एंड मीन दोनों स्टेटमेंट ट्रू देन ट्रू। फॉल्स मीन दोनों स्टेटमेंट फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। इम्प्लाइज मीन ट्रू, फॉल्स को इम्प्लाई करेगा तो फॉल्स, बाकी सारी स्टेटमेंट ट्रू। इफ एंड ओनली इफ मीन दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, डिफरेंट है तो फॉल्स। ठीक है, सेम इफ एंड ओनली इफ में सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स। आज में तो मैंने आपको बताना है, जो हम सेट्स पे फंक्शंस पढ़ते हैं, ऑपरेशंस पढ़ते हैं ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिवॉल्गन लॉज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, उन सबको इन लॉजिक्स में हम कैसे सॉल्व करते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम इन लॉजिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग थीरम्स टू लॉजिकल फॉर्म, इन्हें लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड प्रूव देम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल। मतलब ये कि फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है बेटा, हमें पता है ये डी मॉर्गन लॉ का एक पार्ट है। पीछे हमने कुछ लेक्चर्स में, सेट्स में हमने इन्हें सॉल्व किया विद सेट्स। आज हम इसे सॉल्व करेंगे लॉजिकल फॉर्म में लाके ट्रुथ टेबल से, कि क्या ये ट्रुथ टेबल में सही है या नहीं है। एक बात बेटा हमेशा याद रखिएगा, मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो हमेशा जिसके जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसे लेते हैं। हम ये नहीं करते 2+3 जो है वो 2 क्लास में 5 था तो 10th में चूंकि हम बड़े हो गए हैं तो वो बड़ा हो जाएगा, 23 हो जाएगा। नो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहती है। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी जिसे हम डी मॉर्गन का एक लॉ लेते हैं, अगर ये आपके पास एक क्लास में ट्रू है, एक किस्म के सेट्स पे ट्रू है, तो बेटा ये फॉर एवर ट्रू है। ये पाकिस्तान में भी यही है, इंडिया में भी यही है, हर जगह ये सेम। तो ये बड़ी खूबसूरती से आज देखिएगा, मैं इसे लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी और उसके बाद इसे ट्रुथ टेबल से, जबकि मैं सेट कोई नहीं लूंगी, कोई 1, 2, 3 एबीसी कुछ नहीं लूंगी, इसकी पहले मैं लॉजिकल फॉर्म लिखूंगी। लॉजिकल फॉर्म, यही लॉजिक्स जो हमने अभी पढ़ी वो क्या होगी, इसकी शेप से रखिएगा, ये पी होगा, ये इंटरसेक्शन को आप एंड कहेंगी, बी जो है वो क्यू हो जाएगा, और ये बेटा जो कॉम्प्लीमेंट है ये निगेशन हो जाएगा। समझ आई लॉजिकल फॉर्म, ये पी देखे इंटरसेक्शन की और एंड की शेप दोनों डाउनवर्ड है, ये एंड, ये क्यू और निगेशन कॉम्प्लीमेंट जो है वो निगेशन इज इक्वल टू निगेशन है, निगेशन पी। अब यूनियन के फॉर्म देखे अपवर्ड है और निगेशन क्यू, कोई आपको याद नहीं रखना, कोई रट्टा नहीं लगाना, कॉम्प्लीमेंट को निगेशन बनाए, इंटरसेक्शन डाउनवर्ड है एड भी डाउनवर्ड है, यूनियन अपवर्ड ओपन है तो और भी अपवर्ड। अब इसके लिए हम टेबल बना लेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड, पी क्यू। अब लेफ्ट के लिए पी एंड क्यू और अगला कॉलम क्या आएगा, पी एंड क्यू का निगेशन, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड की टेबल बना रही हूं। वही कुछ जो हमने पीछे किया, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, पी एंड क्यू। एंड क्या होता है बेटा, दोनों ट्रू देन ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। अब इसका निगेशन ले लेंगे, फॉल्स हो जाएगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, P Q negation P negation Q negation P and negation Q और सॉरी ये भी गलत हो जाता बेटा, देखिए यहां और था, ठीक है, तो बहुत तवज्जो से आपने इन सिंबल्स को यूज करने, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू,
फॉल्स फॉल्स. निगेशन पी का लेना है फॉल्स, यहां ट्रू फॉल्स, यहां फॉल्स ट्रू, यहां फॉल्स ट्रू. निगेशन क्यू का ले फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. अब इनमें और क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यानी दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स वरना ट्रू. एफ एफ ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये देखिए ये लास्ट रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड और ये लास्ट रिजल्ट राइट. देखिए ना कोई नंबर थे ना कोई सेट्स थे, लॉजिक से ट्रुथ टेबल से भी ये सेम आ गए. दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, वही लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. खाली बेटा ये क्या है, क्या है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. आज हम इसे सेट्स पे प्रूव नहीं करेंगे, हम लॉजिक से प्रूव करेंगे, ट्रुथ टेबल में प्रूव करेंगे. पहले हम इसकी लॉजिकल फॉर्म लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी पी एंड क्यू. अब ये सी भी आ गया, ये तो हमने अब तक नहीं पढ़ा था. अब बेटा जहां 3 हो जाएंगे वहां आपने तीसरा आर ले लेना है. ठीक है, इज इक्वल टू पी एंड क्यू एंड आर. पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगी बेटा पी क्यू आर. अब यहां आप मेरे साथ बहुत एहतियात से समझिएगा, 3 को हम कैसे पॉसिबिलिटीज 3 स्टेटमेंट की अरेंज करते हैं. हम सपोज कर लेते हैं तीनों ही ट्रू. ठीक है, अब हमने ऐसे किया, अभी मैं अरेंजमेंट जैसे हम सबसेट बनाते हैं ना ये कुछ मैं वैसा कॉन्सेप्ट लूंगी. पहला ट्रू है बाकी दोनों फॉल्स. फिर हमने सपोज किया दूसरा ट्रू था, पहला और तीसरा फॉल्स. फिर हमने देखा एक स्टेटमेंट है जिसका थर्ड ट्रू है, ये दोनों फॉल्स. नेक्स्ट बेटा, हाँ जी बेटा, अब देखिए मैंने ट्रू के साथ अरेंज किया, एक स्टेटमेंट ट्रू, दो दो फॉल्स है. अब मैं इसे इस तरह अरेंज करूंगी कि फॉल्स को हम कंडीशन करेंगे, यानी एक स्टेटमेंट फॉल्स तो दो ट्रू, इसे हमने सेट करना है. ये देखिए पहले तीनों ट्रू ली, फिर एक ट्रू के साथ दो फॉल्स मैंने अरेंज किए, फिर एक फॉल्स के साथ दो ट्रू और लास्ट सारी फॉल्स. ये कितनी बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये बेटा वही 2 पार 3 वाला मेथड होगा. अगर आप इसमें से एक भी कम लेंगे तो आपका क्वेश्चन में मार्क्स लूज हो जाएंगे. अब यहां पी एंड क्यू, पहला कॉलम ये लेंगे हम, दूसरा हम लेंगे पी एंड क्यू एंड आर. अच्छा बेटा एक और बात बताऊं, हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एक टेबल पर भी कर सकते हैं. पहले ये समझे P एंड Q, एंड क्या होता है, दोनों ट्रू दो ट्रू होता है, वंस नहीं ट्रू ट्रू ट्रू. देखिएगा ये दो ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स. बहुत एहतियात से इसे देखिएगा, ये ज्यादा है तो मिक्स हो जाते हैं बेटा. मैं ये प्रोमिनेंट कर रही हूं. ताकि आपको मिस्टेक ना हो बेटा दिखने में. अब पी एंड क्यू एंड आर, इसके साथ आपने आ, ये ट्रू ये फॉल्स
ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी क्यों फॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रू नहीं है। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा इन दो में मैंने एंड किया। अब बेटा हम राइट हैंड साइड लेंगे, ये मैं एक दफा फिर बनाऊंगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाए। पी क्यू आर, देखिएगा मेरे साथ, तीनों ट्रू। अब हम क्या लेंगे, एक ट्रू लेंगे दो फॉल्स, इस कंडीशन को पूरा करेंगे, ठीक है, एक ट्रू दो फॉल्स। अब हम फॉल्स एक लेंगे ट्रू दो लेंगे, और फिर एंड पे सारा फॉल्स लेंगे। ये हम कर रहे हैं बच्चे राइट हैंड साइड। अब क्या है, क्यू एंड आर पहले लेने, फिर हमें पी एंड क्यू एंड आर लेना, आर एस एंड ऐसा। एंड क्या होता है, जिसमें दोनों ट्रू वो ट्रू। Q and R, tree, F false, 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 true, false, true, false, true, false, false, और false, false, again false, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा, जिस अरेंजमेंट पे आप एक लेफ्ट साइड के लिए बनाओगे ना, उसी अरेंजमेंट पे आपने राइट के लिए टेबल बनाना है, ठीक है। हाँ जी, अब ये क्या हो जाएगा, इसका हमने एंड लेना है पी के साथ, ये ट्रू, एफ फॉल्स और ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसी में चेंजिंग्स ला रही हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, यहां आप बताइएगा मुझे कौन सी प्रॉपर्टी है। A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. Distributive property of union over intersection. तो इसकी logical form क्या बनेगी, A और B, A नहीं लेंगे sorry, P, P और Q and R is equal to P और Q and P और R। अब लेफ्ट हैंड साइड पहली टेबल बेटा यही बनेगी P Q R, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन की। अब एक कॉलम में लूंगी Q एंड R के लिए, और एक कॉलम में लूंगी P और Q एंड R। ये सॉल्व हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, Q एंड R, एंड में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब इसका हमने और लेना है पी के साथ, और में क्या है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स अगेन फॉल्स, ट्रू 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 एंड देन फॉल्स। अब जो राइट हैंड साइड है बेटा उस पर भी हम देखेंगे कि यही आंसर है। अब राइट हैंड साइड के लिए ये टेबल मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है बेटा। अब पी और क्यू, पी और आर एंड देन इंटरसेक्शन ऑफ दिस, यानी एंड पी और क्यू एंड पी और आर, और में एक ट्रू तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, लाइंस लगा ली तो थोड़ा सा इजी हो जाता है बेटा, मिक्स नहीं होती चीजें।
फॉल्स फॉल्स और है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 और में क्या होता है अगर दोनों फॉल्स हो तो आपने फॉल्स लेनी है अदरवाइज ट्रू। अब पी और आर को हम देखेंगे, ये पी और क्यू हमने देखा बेटा बहुत एहतियात से, छोटी सी मिस्टेक्स हमें पता भी नहीं चलती। पी और आर ट्रू 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 ये देखिए मैं यहां देख रही यहां ट्रू 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 फॉल्स 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 ये पी और ये आर ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 बहुत सिंपल, लेकिन जब बहुत सारी चीजें होती है बेटा मिक्स हो जाती है। अब इन दोनों में आपने एंड लेना है, एंड क्या है दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ये भी ट्रू, ये दोनों ट्रू हैं, ये दोनों भी ट्रू हैं, ये दोनों ट्रू हैं और ये फॉल्स 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 हो जाएगा। अच्छा बेटा एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ हुई हमसे, ये देखिए ये दोनों ट्रू 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 फॉल्स, यहां देखिए ये कौन सा था पी और क्यू, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू, फिर पी और आर देखिए ये फॉल्स फॉल्स। देखिए बेटा अब ये यहां थोड़ी सी मिस्टेक से कि आपका इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है ये फॉल्स, देखिए समझ आई ना फॉल्स, मैंने यहां क्या लिखा था पी और क्यू में दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होना चाहिए था ना, तो बाय मिस्टेक अच्छा हुआ कि आप भी कॉन्शियस हो जाए कि थोड़ी सी मिस्टेक से हमारी आंसर गलत हो जाती है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो अगेन जब आप फॉल्स और ट्रू में एंड लोगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब यहां मैच करें ट्रू ये ट्रू, सेकेंड ट्रू वहां भी ट्रू, थर्ड फोर्थ दोनों में फॉल्स, फिर तीन जो है वो ट्रू है और लास्ट फिर फॉल्स। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें कोई इश्यू नहीं है, वही दो चार बातें हैं जो मैं बार बार बता रही हूँ, सिर्फ ये कि जब आप वर्क ले करें तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अपनी अटेंशन टोटल इस पे रखिए, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू वरना फॉल्स, ठीक है, और में दोनों फॉल्स है तो फॉल्स अदरवाइज सारा ट्रू। इंप्लाइज में अगर ट्रू फॉल्स को इंप्लाई करेगा तो फॉल्स होगा वरना ट्रू, इफ एंड ऑनली इफ में जो दोनों एक जैसी हैं वो चाहे दोनों ट्रू हैं चाहे दोनों फॉल्स हैं वो ट्रू, अदरवाइज डिफरेंट जो है वो फॉल्स। इससे ज्यादा बेटा ये ट्रूथ टेबल में कुछ नहीं है सवाई इन चार पांच बातों के। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह।